निकालो और ऐसे कॉटन निकालते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सेकंड डे है और हम सब खेत में जा रहे हैं क्योंकि आयुष का बहुत मन था वहां जाने का, और ये दोनों जन कहीं और घूमने जा रहे हैं। ये दोनों हमको भाव नहीं देते। वियर इज होगी तई, इसको कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, पर मैं इसको बहुत ज्यादा कैप्चर करने वाली हूँ क्योंकि इसको बहुत इश्यू होता है कैमरा में आने का। मुझे यूज टू करना है सबको कैमरा में, कैमरा के लिए। और ये हमारे खेत तक जाने के लिए स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पूरा पानी पानी आया था। इस जगह पे मैं पिछली बार फिसल कर गिरा था। आगे जो जगह है उस जगह पर मैं पिछले साल फिसल कर गिरा था। जल्दी भागो, भूत आ रहा है। और ये हमारी फैमिली का सबसे छोटा व्लॉगर है। एक्टिंग करता है, एक्टिंग। क्योंकि वो ही छोटे दादा का भाई। खेत में पहुंचने वाले हैं और वहां पर हमारे खेत का कुआं भी है, आपको दिखा रहा हूं। अब पहुंच गए हैं हमारे खेत में। हाँ, और यहां पर गिरने वाला था वापस। और यहां पर है हमारे खेत का कुआं जो आधा दिख रहा है, जो आधा दिख रहा है आपको, आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हमें, आप कहां जा रहे हो? नारियल फोड़ने ना। अब हमारे साथ आओ। अरे मामा इधर ना, दाना चलो, दाना इधर, जाओ जाओ जाओ। खाली बाग तो दशा लागे, उन माला लागले त्या दिवशी। और आयुष ये मंदिर में नारियल फोडने जा रहे हैं। दशा लागेल खाली बाग, हर्षलचे बूट आहे खाली बघून चाल। संदीप का घेतलेले ना, ऐसे सर पे पल्लू रखती है क्योंकि ये गांव का यहाँ के रीति रिवाज जो यहाँ पे आके फॉलो करने पड़ते हैं। काली मी तर विचार केला आगर भसी बसते लावून दे, एक लावना, एक लावते फोड। आता मावशीकडे बघ, फोड उलटा नको धरू, तिकडे तोंड कर ते एक काम, दगड बाजूला कर, खाली मार, वरती वरती जोरात मार, साइड चेंज कर, फरशीवर कर, फरशीवर घे पावला बाबा। दाखव इकडे अगरबत्ती म्हणून नाही लागत ये दीदी, मच्छर का ये दीदी अगरबत्ती लाने बोला था और ये मच्छर मच्छर वाली अगरबत्ती। और इसका स्माइल देखो अभी, गलती होने के बाद वाला फेस।
और यहाँ पे देखो फुल व्हाइट व्हाइट कॉटन देखो. दिस इज आवर फार्म, यू कैन सी दिस. आप फार्म सर पहले वेल भी दिखा दो. ये तो वो भी रहते हैं ना, हटन निकालने की एक्टिंग कर रहा है. एक्टिंग का अरे असली उधर है, उधर जाना भाई. हाँ ये निकालो और ऐसे कॉटन निकालते घूम कर दिए मैंने और ये सब लोग ढूंढ रहे हैं. तो फोटो मजे बोग आएगा निकाल लेला फोटो मजे. हाँ और यहाँ पे कार है. फाइनली इतना चलने के बाद कार दिखी है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें आदत है नहीं. नंबर आदत सी पड़ गई है मुझको. पूरा दिन थकता नहीं है, 100% एनर्जी है इसके पास, हमेशा एक्टिव रहता है. हम थक जाते इसको देख के पर ये नहीं थकता है. और एक टायर्ड फेसेस देख सकते हो. बहुत मजा भी आया पर दिन में बहुत गर्मी है, रात में बहुत ठंडी है, अजीब क्लाइमेट है पर बहुत फन लग रहा है. घर पे लैपटॉप लेके बैठने से अच्छा तो ये बहुत ज्यादा मजेदार है यार. इंजॉय लग रहा है, लाइफ कुछ जी रही हूँ ऐसा लग रहा है अभी. वो लैपटॉप लेके बैठती हूँ तो बस रोते ही रहती हूँ कि यार क्या लाइफ है, क्या लाइफ है. पर आज और ये सब लोग इतना हंस रहे तो आप देख सकते हो कि मैं सच में सच्चाई बोल रही हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ. ये लाइफ की ट्रुथ है. सो यार जब भी आपको टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, हमें इंजॉय करना चाहिए. थोड़ा बहुत क्यों ना, एक दिन क्यों ना ब्रेक चाहिए. यहाँ पे कल मेला है, यहाँ पे हम कल आएंगे सबके सब. तभी मैं अच्छे से अंदर जाके वीडियो शूट करूंगी. और इस मेले के लिए पूरा गांव भर गया, सब जगह से लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से. रियली फन. इस मेले से ज्यादा ये फन है कि यहाँ पे सबका मिलना जुलना होगा. और ये हमारा दूसरा घर. कल से टाइम नहीं मिला, अभी यहाँ आ रहे हैं हम. और ये आई रुकी हुई है यहाँ पे. देवी के गाने और देवी के बारे में कुछ बोला जा रहा है वो हमारे यहाँ पे मतलब किया जाता है रीति रिवाज. जैसा मैंने बोला था यहाँ बहुत है तो ये सब किया जाता है. वी हैव स्टार्टेड. अभी सीधा मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कैसे निकली है रंगोली. इट्स डन. सिंपल कितने बोलता है था अभी कलर सकाळी दिले तेज भाव ना कर कसे केली. और ये लोग यहाँ पे बहुत ठंडी है इसीलिए यहाँ पे ये लिया जा रहा है. तो ये दूसरे घर में हम यहाँ पे रंगोली निकाल रहे हैं. इट्स फाइनली डन. यहाँ की भी हो गई है. वेरी गुड बॉय. यहाँ पे बहुत ठंडी है इसलिए बॉनफायर कर रहे हैं. यहाँ पर बहुत कूल ही कूल है, कूल दुनिया है यहाँ पर. सब बैठे हैं, थोड़ी बातें, थोड़ी मस्ती विद बॉनफायर. Scream.